गाइस आज है 1 जून 2023 और आज यहाँ पर लगा है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एंड जो हर मूवी का कहानी हो गया है आजकल, मतलब आज तक आपने मेरे दो वीडियो भी इस टॉपिक के ऊपर पहले देखे होंगे जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर के सिनेप्लेक्स वाले किस तरह इंग्लिश में मूवी नहीं लगाते और अगर मूवी लगाते हैं तो कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज भी मैंने मतलब टिकट लिया है इस मूवी को देखने के लिए, बिकॉज मैं एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए और मैं इस मूवी को अगर देख पाऊँगा तो कल एक रिव्यू बनाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि कल के कल मैं इस रिव्यू को पोस्ट कर दूँ, बट एडिटिंग वगैरह में थोड़ी लेट हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल चलो मैं बात करता हूँ कि कितने लोग इस मूवी को देखने के लिए इंटरेस्टेड है। तो जब मैं अपने बुक माई शो के ऐप में जाता हूँ एंड हिंदी पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश का शो है नहीं, इंग्लिश का शो करने पे ऐप क्रैश हो जा रहा है। ओके 7:20 का शो है और जब मैं टिकट्स पे सिलेक्ट करता हूँ तो पहले जब मैं स्टार्टिंग में जब बुक करने की कोशिश कर रहा था तब मेरा ध्यान गया कि बहुत 4 लोग थे जो इस मूवी को देखने के लिए इंटरेस्टेड है और 4 सीटें बुक हुई थी एंड मैंने सोचा कि मुझे लगा कि ये लोग कैंसिल कर देंगे शो को, इसलिए मैं सोचा पहले मेरे को टाइम लगा ये डिसाइड करने में कि मेरे को सीट लेना चाहिए या नहीं। और जब मैंने ये सीट लिया तब थोड़ी देर के बाद मैंने देखता है कि कुछ और लोग आए, टोटल मिला के 10 लोग हुए थे और अभी फिलहाल 21 लोग देखने को तैयार है इस मूवी को। अब देखो सोनी के मूवीज़ को लोग उतना नहीं देखते हैं और एनिमेटेड को तो और नहीं देखना पसंद करेंगे, बट अभी के लोगों को, इतने सारे लोगों को इंटरेस्टेड देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो अब फाइनली लोग वापस आए हैं मूवीज़ देखने के लिए, मतलब मार्वल ने बहुत रुसवा किया हम लोगों को बेकार बेकार मूवीज़ बना के, बट अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रैक वापस आ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्वल अच्छे मूवी बनाना शुरू कर दिया है, बट मुझे ये एक्सपेक्टेशंस है कि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स इनटू द स्पाइडरवर्स की तरह ही एक ब्लॉकबस्टर होगा। अगर नहीं होता है तो हम डिसअपॉइंट होंगे, बट इट इज़ नेवर बैड टू एक्सपेक्ट गुड। भाई बड़े ही मादर चोट किस्म के लोग हैं यार। इंग्लिश शो रात के 10 बजे लगा है 4 तारीख तक एंड रात के 10 बजे भाई कौन रखता है मूवी इतने रात को, मूवी हमारे जैसे लोग कैसे देखेंगे भाई। ये सिनेप्लेक्स वाले पागल हो गए हैं, इनको लगता है पैसा नहीं कमाना, नहीं तो क्या मालूम इनको इनको पता नहीं इंग्लिश फोबिया क्यों है। पर रात के 10 बजे भी ऊपर के सारे सीट खाली मतलब बुकिंग हो चुके हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बट हमारे जैसे बच्चे 23 साल के जिनको घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं होता 10 बजे के बाद, कैसे देखेंगे। अरे भाई दिन का भी शो रखो यार, कम से कम दो टाइम का तो शो रखो, दिन का रखो और एक तो रात का रखो, बट नहीं इनको इंग्लिश फोबिया है, इंग्लिश इनको पसंद नहीं।